यूपी में ये क्या हो रहा है, वाकई एक बड़ा सवाल इस वक्त सामने है, क्योंकि यूपी में आए दिन तनाव और टकराव की खबरें आ रही है। शहरों में अशांति फैली है। आज सहारनपुर में टकराव के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। कल लखनऊ में पुलिस और पब्लिक का जबरदस्त टकराव हुआ। वहीं यूपी के शहरों में और खास करके कांट में एक बार फिर से तनाव का माहौल बना है। जी हां, बीजेपी नेताओं ने हट लगा रखी है कि वो उस गांव में जाकर रहेंगे जहां से विवाद पैदा हुआ था, लेकिन पुलिस ने बीजेपी नेताओं का रास्ता रोक रखा है। वही कांग्रेस के नेता कांट मार्च के लिए निकले हैं और पुलिस ने यूपी गेट पर उन्हें रोक रखा है, जिससे NH-24 में लंबा जाम लग गया है। तो मुरादाबाद के SSP को हटाने की मांग कर रहे हैं ये। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि SSP को, मुरादाबाद के SSP को हटाया जाए, ये मांग कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से तनाव फैला है। कांट पर राजनीति किस तरह से गरमाई हुई है। कांट जाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो उतारू हैं, उन्हें रोकने के लिए पुलिस परेशान है। दूसरी तरफ सहारनपुर में किस तरह से तनाव फैला है। दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई और कल लखनऊ में किस तरह से बवाल हुआ था उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो लगातार अलग अलग शहरों से इस तरह की घटनाओं और तनावपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही हैं।